ना, अंतर राखे जो मिले तासो मिले बलाए। बांग्लादेश के मन में अभी बहुत अंतर आ गया है भारत के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश ने चालाकी दिखलाने की कोशिश करी। एक तरफ चाइना की नेवी पहुंची चितगांव पोर्ट और दूसरी तरफ होने लगे हैं धमाके। जानेंगे क्या चल रहा है बांग्लादेश में, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका पाकिस्तान में लगा है IMF के जरिए। जानेंगे भारत के लिए बड़ी खुशखबरी IMF कैसे लेकर आया है। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिस चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं है। हालांकि इसकी वजह भी खुद पाकिस्तान है। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये होता था जब पाकिस्तान की स्थापना हुई तब सबसे बड़ा मददगार अगर कोई बनकर था तो वो सऊदी अरब था। सऊदी अरब ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया और सऊदी अरब के राजा किंग ने उस समय बहुत मदद करी पाकिस्तान की। इतनी मदद कि जब भी पैसे कम पड़ते थे पाकिस्तान दौड़ जाता था सऊदी और सऊदी उन्हें भरपूर मदद देता था, कभी खाली हाथ लौटने नहीं देता था। लेकिन अब सीन बदल गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, MBS के आते ही वो वाला रवैया खत्म हो गया और MBS ने कहा कि देखो अब वो इजीली जो मिल जाता था पैसा, वो पैसा आराम से नहीं मिलने वाला है। हालांकि सऊदी ने क्यों बदला पैतरा, इसलिए बदला क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि खुद के रोटी दाल में आफत आ जाएगी जब तेल का खेल बंद होगा। तो दूर का सोचकर अब इन्होंने भी धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। पाकिस्तान को आदत लग गई लोन लेने की। पाकिस्तान ने चाइना से भी खूब लोन लिया और अब स्थिति ये हो गई है कि चाइना की इकोनॉमी खुद खस्ता हाल हो रही है। चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे से किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। चाइना को CPEC के जरिए कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, उल्टा चाइना के नागरिकों पर हमला हो रहा है। चाइना के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को अच्छा खासा पैसा चाइना ने शुरुआती दौर में दिया था, लेकिन वहां पर भी वो फेल हो रहा है। CPEC के जरिए आमदनी भी नील बटे सन्नाटा हो रहा है। तो ऐसे में चाइना ने न तो लोन नया देने की बात करी और न ही रीस्ट्रक्चर करने की बात करी, दोनों ही चीज में यहाँ फंसा। अब इनके पास एक ही उम्मीद थी और वो थी IMF। IMF ने शुरुआती दौर में कहा ठीक है हम $7 बिलियन का आपको लोन देंगे, आपको कुछ नियम का पालन करना होगा। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी हम पालन कर लेंगे। 1.5 लाख नौकरियों को खत्म कर दिया, इसके अलावा 6 मिनिस्ट्री को भी खत्म करने की बात मान ली। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये सब कुछ मानने के बाद भी अब IMF से मिलने वाला $7 बिलियन लटक गया है। क्यों लटक गया है, क्योंकि यहाँ पर IMF ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, इसमें भारत का वो हिस्सा भी है, POK वाला भी है, जो इन्होंने कब्जा रखा है। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है। भारत के अंदर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे। भारत ने अपने अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए कुछ खास खास इलाके बनाए और उन इलाकों में जहाँ कंपनियां नहीं जाया करती थी, कंपनियों को भेजने के लिए इन्होंने क्या कहा कि ठीक है जी आप यहाँ कंपनी बनाओ, हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे अगर आपकी कंपनी यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होगी तो। और ऐसे में भारत की इकोनॉमी के लिए ये मदद मिली। पाकिस्तान ने यही सोचकर भारत की तरह अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, लेकिन इनमें से 9 जोन ऐसे हैं जहाँ पर चाइना का कब्जा है, चाइना की कंपनियों का कब्जा है, CPEC का कब्जा है। यानी कि सारा फायदा यहाँ उठाकर कौन ले जा रहा है, यहाँ उठाकर लेकर जा रहा है चाइना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना की 100 कंपनियां अभी यहाँ पाकिस्तान के अंदर निवेश कर रही हैं, अपना कंपनी खोल रही हैं। अब इस चीज को लेकर IMF ने कहा है कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को कहा है कि ये सारा जो आपने स्पेशल फंडिंग देना शुरू कर दिया है, सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया, ये सारा बंद करो, इस सारी चीजों को बंद कर दो, जो चाइना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत के लिए अच्छी बात है, CPEC कमजोर होगा और CPEC के साथ साथ चाइना की पकड़ भी इस इलाके में जो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है और भी ज्यादा कमजोर होगा। खैर, जहां भारत के एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत के दूसरी तरफ बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत की स्थिति अभी एक ऐसे रिश्ते के तरफ बढ़ गई है जो काफी नाजुक मोड़ में है। भारत ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्गा पूजा के साथ जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि इसका असर भी देखने को मिला। यूनुस खुद पहुंचे ढाकेश्वरी मंदिर और यहां पर इन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया कि सबके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, हमें ऐसा बांग्लादेश
बनाना है। लेकिन बांग्लादेश का वो कल्चर आगे रहेगा नहीं रहेगा, ये तो अभी फिलहाल देखकर लगता नहीं है कि बांग्लादेश पहले वाला वो बांग्लादेश रह पाएगा। पर एक चीज देखने को मिल रहा है, अचानक से शनिवार को यहाँ पर पहुँच गई चाइना की नेवी। भारत के पड़ोसी देश में तख्तापलट के बाद स्थितियाँ तो बदल ही रही है। जो देश भारत के साथ हुआ करता था वो भारत विरोधी बना हुआ है। हिंदुओं पर जो चीजें हो रही है सो हो रही है। चीनी नौसेना के एक बेड़े ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का दौरा किया। अगस्त में बांग्लादेश में तख्तापलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला विदेशी बेड़ा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन और बांग्लादेश संबंध आगे बढ़ाते रहेंगे। चीनी दूतावास ने भी कह दिया कि बांग्लादेश की घरेलू स्थिति में चाहे जो भी बदलाव आए हों, चीन बांग्लादेश संबंध को विकसित करने के लिए हम पहले जैसे हैं और हमारी जो पारंपरिक दोस्ती है, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान है और हम BRI को भी बढ़ाना चाहते हैं, बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इससे पहले याओ वेन और चीनी नेवी फ्लीट के कमांडर क्यू जिगवांग और जिंग गेंगसान ने चट्टोग्राम बांग्लादेश नौसेना बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद मोइनुल हसन और रियर एडमिरल SM मोनिरज़मा से भी मुलाकात और कहा कि हम लोग समुद्री तौर पर एक दूसरे को मजबूत करने का काम करेंगे। अब बांग्लादेश की नेवी यहाँ पहुँचने लगी है, अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हाँ जी हम तो आपके साथ मिलकर यहाँ काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे। चाइना धीरे धीरे यहाँ अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना सफल नहीं होगा। आपको बता दूं, जिस इलाके पर चट्टोग्राम में इसके पहुंचे हैं सीप, सबसे पहली बात है चट्टोग्राम जो पोर्ट है उसका निर्माण में चाइना का हाथ रहा है और कहा तो ये भी गया था कि चाइना के सबमरीन्स वगैरह शेख हसीना के रहते हुए यहाँ पहुंचने लगे थे। तो अभी नेवी पहुंची है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी चाइना के लिए मुश्किलें ज्यादा है। इस इलाके में चट्टोग्राम के आसपास में हिल ट्रैक्ट एरिया में पहले से अल्पसंख्यक समुदाय विरोध में है, सरकार और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में यहाँ टेंशन जारी है। इसके अलावा यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी ही अजीब घटना हो रही है, बार बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तबाह हो रही है तेल और LNG के टैंकर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से एक LPG वेसल्स में आग लगी है, 31 लोगों को बचाया गया है और ये समस्या इस वक्त बुरी तरीके से बांग्लादेश के इस पोर्ट में हो रहा है। BLPG सोफिया इस वेसल्स में आग लग गया जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ, कहा जा रहा है चितगांव पोर्ट में करीब रात के 1 बजे ये चीज हुई है। वैसे भारत को तैयार रहना होगा, भारत को अब 2 नहीं 3-3 फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।